हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा फेमस, जो कि बहुत ही वायरल हुई एक वीडियो हमारी इंस्टाग्राम पे, तो उसके बारे में आज हम ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो चलिए आइए। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए आइए स्टार्ट करें। तो गाइज, ये है हमारी वो नेल आर्ट जिसमें हमने एक गर्ल और जेंट्स का किंग का क्राउन बनाया है, किंग एंड क्वीन का, और साथ में कुछ मार्बल इफेक्ट के साथ फॉइल वर्क भी किया और फ्रेंच नेल आर्ट भी किया। तो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट के नेल्स, आप देख सकते हैं कि हमारे क्लाइंट के नेल जो है काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बट नेल बेड जो है बहुत छोटा है। तो उस हिसाब से हम सबसे पहले टिप्स को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले टिप्स को सिलेक्ट करेंगे। बट उससे पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी जो है नेल पेंट इनकी रिमूव कर रही हूँ एसीटोन फ्री के साथ, और अब हम नेचुरल नेल जो भी बड़ा हुआ है उसे हम नेल कटर की हेल्प से इस तरीके से कट कर देंगे ताकि हमें टिप के साइजेस निकालने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। सो नेल कटर से नेचुरल नेल को कट करने के बाद मैंने एमरी बोर्ड से स्माइल लाइन को नीट कर लिया था, और अब मैं ग्लोबफर की हेल्प से पूरे के पूरे नेल को ड्राई कर रही हूँ अच्छे से, ताकि हमने इसके ऊपर जो टिप अप्लाई करनी है वो इसमें आराम से चिपक जाए, और ड्राई सरफेस के ऊपर जो है ज़्यादा अच्छे से चीज़ें चिपकती हैं, जैसे कि हम आपको लास्ट वीडियोस में भी बता चुके हैं। तो लॉकिंग एरिया पे हमने जो है टिप ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी हुई थी, और अब ग्लू एप्लीकेशन करके वन बाय वन करके इस तरीके से हम सभी नेल के ऊपर टिप अप्लाई कर देंगे। मेक श्योर इतनी ग्लू ज़्यादा नहीं लेनी है आपको कि आपकी जो ग्लू है वो फिंगर में आके चिपक जाए। और अब जो है हम लेंथ को कट कर देंगे, तो जितनी भी हमारे क्लाइंट को लेंथ चाहिए उससे थोड़ी सी हम लेंथ जो है एक्स्ट्रा ही रखेंगे, ताकि जब वो लेंथ हम फाइनल डिज़ाइन में क्रिएट करें तो उन्हें एक परफेक्ट साइज़ मिल सके। और जैसे कि अब हमने टिप अप्लाई कर दी थी तो ये थोड़ी सी उठी हुई रहती है, तो अब हम एमरी बोर्ड की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे नेचुरल नेल में। तो यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ये है एमरी बोर्ड, तो यहाँ पर एमरी बोर्ड ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्लोबफर से ट्राई करते हैं तो हमारी ब्लेंडिंग लाइन या साइड्स नीट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा सॉफ्ट बफर होता है, और जो एमरी बोर्ड के बफिंग्स होते हैं, बफर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। तो मेक श्योर इसको बहुत ध्यान से करना। और अब जो है हम पूरे के पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ करेंगे अच्छे से, और शेप जैसे कि आज हमने सॉफ्ट स्क्वायर क्रिएट करनी है तो हमने ऊपर से हल्की सी बस साइड्स नीट करनी है। और अब जो है पूरे के पूरे नेल को हम ग्लोबफर की हेल्प से इस तरीके से ड्राई कर रहे हैं, पूरी टिप के ऊपर कोई भी शाइनिंग नहीं रहनी चाहिए और ना ही नेचुरल नेल के ऊपर। तो इंक्लूडिंग नेचुरल नेल और टिप का एरिया, पूरे के पूरे एरिया को हमने अच्छे से ड्राई कर लिया है, डस्ट को क्लीन कर लिया, और अब हम नेचुरल नेल के एरिया पर हम लगा रहे हैं अपना लिक्विड डिहाइड्रेटर। और लिक्विड डिहाइड्रेटर अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अपना प्रोडक्ट। तो जैसे कि हम जेल नेल एक्सटेंशन करने वाले हैं, तो हम ये जेल और विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर जो है अप्लाई करेंगे अपने नेल के ऊपर, बिल्कुल पतली पतली कोट अप्लाई करेंगे हमारे स्ट्रेंथनिंग पाउडर के साथ में जेल के। और आप देख सकते हैं स्ट्रेंथनिंग पाउडर के दाने दाने जो है नेल पर काफ़ी अच्छे से विजिबल हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटा थिक पाउडर होता है, जो कि हमारे जेल को और नेचुरल नेल की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ा देता है। पूरे के पूरे नेल के ऊपर पतला पतला अप्लाई करेंगे सभी नेल पर एक साथ, और अब हम इसे क्योर करवा देंगे। सो गाइज, बेस हमारा जो है क्योर हो चुका है, और क्योर करने के बाद अब हम अगेन थोड़ा थिक जेल करके अप्लाई करेंगे पूरे के पूरे नेल के ऊपर विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर, और इसे भी सभी नेल्स पर एक साथ अप्लाई करके हम क्योर करवा देंगे। तो गाइज, हमारा बेस और फर्स्ट बिल्डर हो चुका है, और अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ सेकंड बिल्डर ऑफ जेल। तो अगेन यहाँ पर हम हार्ड जेल और स्ट्रेंथनिंग पाउडर का मिक्सचर लेंगे और पूरे के पूरे नेल के ऊपर इस तरीके से थिक थिक करके अप्लाई कर देंगे सभी नेल्स पर एक साथ, और मेक श्योर कि इसको बहुत ज़्यादा कहीं पर बम्स ना बन जाएँ, तो एकदम स्मूथ फिनिश आए। और इसे जो है प्रॉपरली एप्लीकेशन करने के बाद इसे भी हम क्योर करवा देंगे। क्योर करवाने के बाद गाइज, अब हम इसे जेल वाइप करेंगे एसीटोन फ्री की हेल्प से, और अब जो है हम सभी नेल्स की बफिंग स्टार्ट कर देंगे अगेन हमारे एमरी बोर्ड की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने जो है इसकी साइड्स नीट करनी है, क्यूटिकल एरिया नीट करना है, और ऊपर जितने भी डंट्स एंड बम्स क्रिएट हुए हैं हमारे जेल जो है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, उसे भी हम नीट कर देंगे। साइड्स में बिल्कुल भी कोई प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए और ना ही कोई क्यूटिकल में रहना चाहिए।
गाइस सभी नेल्स की बफिंग होके रेडी हो चुके हैं नेल्स, और अब हम जो है सभी के सभी नेल्स को ब्लो बफ करेंगे हमारे ब्लो बफर की हेल्प से इस तरीके से। तो पूरे के पूरे नेल को हमने अच्छे से ब्लो बफ करना है ताकि कहीं पर भी एम्बरी बोर्ड के स्क्रैचेस ना रह जाएं, और बिल्कुल भी छोटे से छोटे भी अगर डंस एंड बम्स हैं वो भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएं। तो इसे बहुत ध्यान से चलाना है, ये बहुत शार्प होता है गाइज़, मेक श्योर कि इस ये जो है आपके स्किन के ऊपर ना लगे, और जो नीचे का एरिया है वहाँ पर हमारे थोड़ा सा प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है टिप का बफिंग की वजह से, तो उसे भी हम जो है देखिए आप साइड से देख सकते हैं उसे भी इस तरीके से हम ब्लो बफ से नीट कर लेंगे। और अब जो है हम अप्लाई कर रहे हैं जेल पॉलिश, तो फर्स्ट कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे हमारे नेचुरल पिंक कलर का, बिल्कुल पतला पतला करके अप्लाई करना है सभी नेल्स के ऊपर। गाइस सभी नेल के ऊपर जेल पॉलिश लग के रेडी हो गई है और अब हम इसे क्योर करवा। हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट कलर का क्राउन मेंस एंड वुमेन वाला, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने ब्रश आर्ट के साथ बना रही हूँ और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर की जेल पॉलिश। ये हमारी क्वीन का क्राउन का बेस रेडी हो चुका है, इसे क्योर करवा देंगे, और क्योर करवाने के बाद जो है इसके ऊपर सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे पूरे के पूरे नेल के ऊपर, और बाकी नेल पर भी हमने जैसे कि फर्स्ट कोट ऑफ जेल पॉलिश के साथ में वी फ्रेंच क्रिएट कर दी थी और एक नेल को हमने छोड़ दिया, तो इसके ऊपर जो है हम ब्लॉसम जेल अप्लाई कर रहे हैं, ये ब्लूमिंग जेल भी इसे बोला जाता है, ब्लॉसम जेल अप्लाई कर रहे हैं पूरे नेल के ऊपर, इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी टोनिंग डालेंगे वाइट एंड गोल्डन दोनों के ही। तो हमारे ब्रश आर्ट वाले हेल्प से ब्रश से और हमारी गोल्डन ग्लिटर जेल पॉलिश की हेल्प से इस तरीके से थोड़ी सी स्लैंटिंग में वेव्स दे देंगे ताकि इसका जो मार्बल इफेक्ट है वो प्रॉपरली निकल के आ सके। और अब हम इसे जो है क्योर करवा देंगे, और इसे क्योर करवाने के बाद गाइस जिस फिंगर पर हमने ग्लिटर दिया था इस तरीके से वाइट जेल पॉलिश के साथ हम बहुत स्लाइटली बहुत ही बारीक सी वेव्स देंगे, और इसके साथ में जो है बहुत ही जैसे कि एक वेवी लुक आता है उसे वो नेचुरल लुक आएगा, बिकॉज इसके ऊपर हमने अभी फॉइल भी लगाना है, और साथ साथ जो है हमने जिस इंडेक्स फिंगर पे क्वीन वाला और किंग वाला क्राउन बनाया है उसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे यूवी टॉप कोट, और बाकी नेल्स के ऊपर भी यूवी टॉप कोट अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो उसके लिए हम आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैम ने यहीं पर ही यूवी टॉप कोट लगा दिया, तो इसका भी एक रीज़न होता है, कई बार हमें यूवी टॉप कोट 2 times भी अप्लाई करना पड़ता है। सो मेक श्योर ये सारे के सारे स्टेप्स को जो है हम यूवी टॉप कोट लगा के प्रॉपरली सील कर देंगे और इसे हम क्योर करवा देंगे। सो गाइज बाकी नेल तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी बाकी का डिज़ाइनिंग बाकी है। टिल देन हम जो रिंग फिंगर जिस पे ऊपर हमने वाइट जेल पॉलिश अभी वेव्स बनाई थी उसके ऊपर हम इस तरीके से फॉइल अप्लाई कर देंगे, और फॉइल अप्लाई करने के साथ ही जो है इसके ऊपर साथ के साथ ही यूवी टॉप कोट अप्लाई कर देंगे और इसे क्योर करवा देंगे। और क्योर करवाने के बाद गाइज बारी है अब नेक्स्ट स्टेप की, अब हम दोनों क्राउन फिंगर्स को जो है ब्लो बफ करेंगे अच्छे से हमारे सॉफ्ट ब्लो बफर की हेल्प से। और अब अगेन जो है वाइट जेल पॉलिश लेंगे, जैसे कि आप ब्रश में देख सकते हैं वाइट कलर की जेल पॉलिश मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ हमारे ब्रश आर्ट की हेल्प से। इस तरीके से क्राउन को जो है थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, इसमें लाइनिंग्स क्रिएट करेंगे ताकि जो क्राउन की जो लुक है प्रॉपरली वो निकल के आ सके, और इसे जो है बहुत ही नीट तरीके से चलाना गाइस, बिल्कुल भी आपका जो प्रोडक्ट है वो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरी के पूरे क्राउन की जो लुक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज इसके बाद हमने जो है क्रोम प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी है। तो नीचे का एरिया हमने इसीलिए ब्लॉब ऑफ किया है ताकि बाकी एरिया पर हमारा जो क्रोम पाउडर है वो ना लग सके। तो पूरे के पूरे नेल को आप ब्लॉब ऑफ करके देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मैट फिनिश का लुक आ रहा है। और अब जो है जेल पॉलिश इसके बाद मैंने स्पेशली अलग से एक कंटेनर में ले ली थी छोटे से इस ढक्कन में, और ब्रश आर्ट की हेल्प से जो है एक एक लाइन डिफाइन कर रही हूँ बहुत ही आराम से, बहुत पेशेंसली क्रिएट करना ताकि इसकी जो लुक है बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। और अब इसके बाद जो है इसे हम क्योर करवा देंगे। सो गाइज हमारा जो ब्रश आर्ट वाला वर्क है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है ओके, और अब हम इसे क्योर करवा देंगे LED में एटलीस्ट 120 सेकेंड। और अब जो है हम इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं क्रोम पाउडर डल गोल्डन कलर का, तो एप्लीकेटर की हेल्प से इस तरीके से अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे का जो एरिया था हमने ब्लॉब ऑफ किया, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो जहाँ पर हमें सिर्फ क्रोम पाउडर चाहिए था सिर्फ वहीं वहीं पर ही हमारा क्रोम पाउडर आया है। तो आप
किंग का और क्वीन का दोनों का ही देख सकते हैं इसका इफेक्ट कितना अच्छा आ रहा है ऑलरेडी। और एक्स्ट्रा को जो है हम ब्रश की हेल्प से रिमूव कर देंगे और अब यहाँ यहाँ और साइड्स में जो है एक बड़ा छोटा और छोटा राइनस्टोन अप्लाई करेंगे। बट उससे पहले अप्लाई करेंगे इसके ऊपर पूरे के पूरे नेल के ऊपर अगेन यूवी टोपर। तो आप देख सकते हैं बाकी पूरे के पूरे नेल की शाइन वापस आ चुकी है और यूवी टोपर के साथ ही हमने जहाँ जहाँ पर भी राइनस्टोन प्लेस करने हैं वहाँ वहाँ पर हम राइनस्टोन प्लेस करेंगे। सो गाइज अब हम राइनस्टोन प्लेस कर रहे हैं इसमें बिल्कुल स्मॉल साइज़ के, क्योंकि ये जो क्राउन का एरिया है और जो हमारी फिंगर का साइज़ है उस हिसाब से ही हम राइनस्टोन लगाते हुए अच्छा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा राइनस्टोन लगा देते हैं तो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लगता है। तो अब हम इसे जो है क्योर करवा देंगे और क्योर करवाने के साथ साथ बाकी फिंगर्स पर भी, जैसे कि हमें आर्ट करनी है तो वहाँ पर भी हम जो है वाइट कलर की जेल पॉलिश के साथ में अगेन हम अपनी डिज़ाइनिंग क्रिएट करेंगे और इस तरीके से डिज़ाइनिंग क्रिएट करने के बाद इसे भी हम क्योर करवा देंगे। सो गाइस क्योर करवाने के बाद जो हम इसके ऊपर भी इस तरीके से क्रोम का इफेक्ट अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा के पूरा एक थीम बन गया है गोल्डन एंड वाइट एंड बेबी पिंक कलर की फैमिली का। तो ये डिज़ाइन ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल बन के आ रहा है और अब हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे। हम जो जो नेल्स हमारे बचे हैं उनके ऊपर हम यूवी टॉप कट अप्लाई करेंगे। तो सभी नेल्स पर हम यूवी टॉप कट अप्लाई करके इसे भी हम जो है क्योर करवा देंगे। सो गाइज आई एम श्योर आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आप भी हमारी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी अकेडमी न्यू दिल्ली में है। तो आइए देखते हैं इसका फुल एंड फाइनल लुक। तो ये है हमारा फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू व्यूवर हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो ओके गाइज थैंक यू सो मच। गाइज अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारी आईडी है NAILDEZINER नीतू कोहली अकेडमी के नाम से। और अगर आप हमारी फैमिली की मस्ती भी देखना चाहते हैं तो आप कोहली व्लॉग्स पर यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।